आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अविनाश पांडे जी, जिनको की उमर भाई ने जेजे सेल का सचिव बनाया दिल्ली प्रदेश का, मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ अरविंद पांडे जी, और मंच पे बैठे मेरे बड़े भाई राजकुमार मग्गो जी, उमर सैफी जी, रमेश पोपली जी, प्रेम शर्मा जी, मेरी बड़ी बहन अनीता मेहता जी, और ईश्वर जी, पति जी, राणा जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये प्रोग्राम रखा, और बहुत अनिवार्य भी था क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है। जैसे कि मेरे भाई प्रेम शर्मा जी ने बताया कि अब 60-70 दिन ही रह गए हैं और इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सभी मेरे सीनियर लोगों ने विचार रखे। मैं सिर्फ एक आध बात इसमें और ऐड करना चाहता हूं कि पिछली बारी हम बहकावे में आ गए दो लोगों के, एक तो मोदी के और दूसरा है झाड़ू वाले के, तो इस बारी किसी के झूठे बहकावे में नहीं आना। और ये बात आपको याद रखनी है कि जो विकास का रथ कांग्रेस ने चलाया था वो देश में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं चला सकती, ये आप लोग समझ लीजिए। ये रथ 5 साल जो रुका है वो देश को कम से कम 15 साल पीछे लेके चला गया है, और अब अगर कांग्रेस दोबारा जब 2019 में बागडोर संभालेगी देश की, तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। और ये बताते हैं कि जहां जो लोग यहां पे 20 साल से रह रहे हैं, 50 साल 40 साल से रह रहे हैं, वो जानते हैं इतिहास कि पहले यहां पे क्या था और आज कांग्रेस ने काम करके क्या किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ आज का विचार हमारे सुन के घर पे जाके बैठे ना, लोगों से बात करें, जो लोग आज नहीं आ सके किसी कारणवश उनको बताएं कि आज आने वाले 60 दिनों के बाद हमको कांग्रेस को मोहर लगा के राहुल गांधी जी को पीएम बनाना है, और हमारे यहां से माननीय अजय माकन जी आपके बीच में 2 बारी चुनाव लड़ चुके हैं, और आपने देखा चाहे क्लस्टर का कोई भी काम था, अभी मेरे बड़े भाई राजकुमार मग्गो जी ने सीलिंग की भी बात करी, और ये वही अजय माकन जी थे जिन्होंने सीलिंग से निजात दिलाई थी, चाहे वो फैक्ट्रियों की सीलिंग थी, चाहे वो दुकानों की सीलिंग थी, यहां तक कि घरों की भी सीलिंग, मोदी नगर में जो फ्लैट थे उससे भी निजात दिलाने वाले सिर्फ और सिर्फ अजय माकन जी थे जो हमारे नेता थे। और ऐसे जुझारू नेता एक बार फिर से आपके बीच में आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और मैं समझता हूं कि अगर ये धोखेबाज को जिसका नाम मोदी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अगर इनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी रोक सकता है, कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, ये आप बात समझ लीजिए। ये देश के दुश्मन है, ये देश को बेच के खा रहे हैं, और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के साथ ये मिलकर आपको लूट रहे हैं। आपका जो पैसा है, हमारा जो पैसा है, हम टैक्स के रूप में देते हैं, ये सीधा बड़े बड़े लोगों की जेब में जा रहा है, ये आप बात समझ लीजिए। तो भाइयों बहनों, आने वाले चुनावों में ये बात आपको बहुत जागरूक करनी है लोगों को कि कहीं झाड़ू की तरफ ना चले जाए, क्योंकि झाड़ू सिर्फ 7 सीटों पर दिल्ली में लड़ेगा, और खुदा न खास्ता आपका बटन कहीं उस तरफ दब गया तो वो नुकसान बहुत ज्यादा दिल्ली को होगा, और दिल्ली का मैसेज पूरे देश को जाता है, पूरे विश्व को जाता है। तो ये आपको बार बार मैं इसी बात पे जागरूक कर रहा हूँ, यही बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि अपने साथियों को बोले कि झाड़ू की तरफ मोहर लगाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई रोक सकता है नरेंद्र मोदी को, सिर्फ राहुल गांधी जैसा युवा नेता रोक सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अविनाश पांडे जी का जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा और हम इसमें शामिल हुए, धन्यवाद। सर, आप कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उसकी हमसे आपकी मुलाकात हुई थी और आपने भी वहाँ बहुत अच्छा बताया था, और ये आज लोकल है आपका मोदीनगर विधानसभा, इसमें इतनी भीड़ है, आपका क्या मतलब कांग्रेस किस तरह से आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो है बहुत परेशान हो चुके हैं, ये जो दोनों फेंकू हैं, एक मोदी और एक अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जनता को इतना प्रताड़ित किया है, इतना बहकावे में लेके आए हैं कि लोगों को अब अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास होने हो रहा है, और जो दर्द उनको है ये आज जनसंघ जो आया है उसी दर्द का हिस्सा है जो ये लोग आए हैं सारे बाहर। मोदी नगर विधानसभा बीजेपी इस बार लग रहा है तख्ता बदल देंगे आप? हम बिल्कुल बदलेंगे, और यहाँ से हमारे अभी जो पहले चुनाव 2019 का होने जा रहा है तो हमारे प्रत्याशी अजय माकन जी रहेंगे, और हम उनको यहाँ से भारी मतों से चुनाव जिता के भेजेंगे, और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अभी तो 7 सीटों पर कांग्रेस ने इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमें पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं है, पूरा यकीन है, और ये दृढ़ निश्चय पूरी जनता ने दिल्ली की कर लिया है कि 7 की 7 सीट दिल्ली में और 543 सीटों में मैक्सिमम जगह
कांग्रेस को जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे ताकि उनका हाथ मजबूत हो और जो है आम आदमी जो है उसको राहत मिले, उसको नौकरी मिले, उसको खाना मिले और उसको सुकून मिले।